फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बांके बिहारी मंदिर के पास। चाय पीने के बाद कराएंगे आपको दर्शन, बताएंगे आज इस वीडियो में कि कैसे हुई थी बांके बिहारी की मूर्ति गायब और क्या है बांके बिहारी मंदिर की मूर्ति का निधन से संबंध, और पांच बड़े रहस्यों से पर्दा उठाएंगे आज। बने रहिए वीडियो में, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करते रहिए वीडियो, वीडियो शेयर करते रहें। और हम लोग हैं अभी मथुरा वृंदावन में, बहुत सारे मंदिरों के दर्शन कराएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि सारी वीडियो आपके तक पहुँचती रहे। भक्तों, क्या आप जानते हो जो बांके बिहारी मंदिर है उसमें भगवान के आगे पर्दा क्यों लगाया जाता है? माना जाता है कोई भी उनकी छवि को लगातार प्रेम से देखता है तो भगवान की भक्ति में प्रसन्न होकर बस भगवान उसके पीछे पीछे चल देते हैं। एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत जिसके साथ कोई नहीं था बिल्कुल अकेले बांके बिहारी मंदिर पहुँचती है और मन ही मन बांके बिहारी को देख के सोचती है कि ये मेरी धन दौलत और ये सब कुछ है, मैं किसके नाम करूँगी, मैं इसका क्या करूँगी, काश मेरा बांके बिहारी जैसा एक पुत्र होता तो मैं उसके नाम कर देती। बाबा ने जब उस वृद्ध औरत की इस मन भावना को समझा तो उन्होंने मन ही मन अपने आप को उनको अपना पुत्र मान लिया, और जैसे ही वो बूढ़ी औरत अपने घर की तरफ चल दी वैसे ही भगवान भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। और यहाँ मंदिर में खलबली मच गई कि मूर्ति आखिर गई कहाँ। बहुत ज़्यादा महंत और पुजारियों द्वारा वहाँ पे प्रार्थना की गई तो बांके बिहारी जी को फिर से बुलाया गया। उसी दिन के बाद से हर 2 मिनट बाद बांके बिहारी के आगे पर्दा कर दिया जाता है जिससे कि लगातार कोई उनके नैनों में ना देख सके और बांके बिहारी जी फिर से किसी के पीछे ना चल दिए। माना जाता है इस प्रतिमा में भगवान कृष्ण और राधा का मिला जुला स्वरूप देखने को मिलता है। आप भी इस मंदिर में जब आएंगे तो देखने के बाद आपका भी मन नहीं करेगा कि घर वापस जाएं। मार्गशीर्ष माह की पंचमी को श्री कृष्ण भगवान बांके बिहारी यहाँ प्रकट हुए थे। मार्गशीर्ष माह दिसंबर और नवंबर माह में आता है। इन दोनों महीनों में वृंदावन में बहुत ही त्यौहार जैसा माहौल होता है। आइए जानते हैं कि जो बांके बिहारी में मूर्ति है वो आई कहाँ से प्रकट हुई थी और कौन लाया था। माना जाता है संगीत के सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरदास भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे, अपना जीवन और संगीत दोनों ही भगवान की आराधना में समर्पित कर दिया था। वृंदावन में निधिमन में बैठकर भगवान की भक्ति में घंटों बिता दिया करते थे। ऐसा कहा जाता है स्वामी हरदास जब जब भगवान कृष्ण और राधा की भक्ति में लीन हुआ करते थे तब तब भगवान कृष्ण और उनको राधा जी दर्शन देने आया करते थे। एक दिन स्वामी हरदास संध्या को अपने शिष्यों के साथ वार्तालाप कर रहे थे, तभी उनके शिष्यों ने विनती की कि हे गुरु जी, मैं भी श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी के दर्शन करना चाहता हूँ। सभी भक्तों ने कहा तो स्वामी हरदास मान गए और शिष्यों के साथ भजन में लीन हो गए। जब कुछ दिन बीते कृष्ण भगवान और राधा ने उन्हें दर्शन दिए, स्वामी जी ने बताया कि उनके शिष्य उनके दर्शन करना चाहते हैं। तभी श्री कृष्ण भगवान ने अगर आप चाहते हैं तो इसी रूप में राधा के साथ ठहरने के लिए तैयार हूँ। स्वामी जी ने कहा काना हम तो संत हैं, तुम्हें तो मैं कैसे भी रख लूँगा, पर राधा रानी के लिए रोज आभूषण और वस्त्र कहाँ से लाऊँगा। कृष्ण मुस्कुराए और चले गए। जब श्री हरिदास प्यार से ध्यान से अपने उन्होंने देखा तो राधा कृष्ण का मिला जुला हुआ भव्य स्वरूप प्रकट हो चुका था। स्वामी हरिदास ने इस मूर्ति को बांके बिहारी में स्थापित किया और इसे बांके बिहारी का नाम भी दिया। श्री कृष्ण भगवान आज भी यहाँ वास करते हैं और जो भी पूरे मन से और श्रद्धा से भगवान से यहाँ जो कुछ भी मांगता है, माना जाता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। ऐसे ही बहुत सारे इस मंदिर से राज जुड़े हुए हैं। जब मुगल कालीन टाइम चल रहा था तो एक बार अकबर भी यहाँ आया था, तब भी बहुत सी कहानियाँ यहाँ जुड़ी हुई हैं। अगर बताएंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। आइए अंदर हम बांके बिहारी के दर्शन कराते हैं। हम पहुँच गए हैं मंदिर के अंदर और यहाँ से कराएंगे आपको बांके बिहारी के लाइव दर्शन। बने रहिए वीडियो में और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग अभी पहुँचे हुए हैं मथुरा में और आपको ऐसे ही सारे मंदिरों के दर्शन कराएंगे।